जैन दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर है एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम का, जो कि 265 नंबर का है। ड्रिल, तो पहला पार्ट आता है ड्रिल से। व्हाट इज़ द एम ऑफ ड्रिल, ड्रिल का लक्ष्य क्या है? टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की भावना लाना। इम्प्रूव बियरिंग, स्मार्टनेस इन अपेयरेंस एंड टर्नआउट, चलना फिरना और पहनावा सिखाना। क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की भावना जगाना। टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ इमीडिएट एंड इम्प्लिसिट ओबीडियंस टू ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स का मानना सिखाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू आता है, ट्रांसलेट टू हिंदी द फॉलोइंग कमांड्स। दी हुई कुछ कमांड्स हैं इंग्लिश में, उन्हें तुम्हें हिंदी में बदल कर लिखना है। तो पहला है ए, लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न मतलब होता है बाएं मुड़। आइज राइट, आइज राइट मतलब होता है दाहिने देख। स्टैंड इजी मतलब आराम से। अबाउट टर्न मतलब पीछे मुड़, और राइट टर्न मतलब दाहिने मुड़। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर थ्री, जो कि होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है इन आधा दाहिने मुड़, द स्क्वायर टर्न डैश डिग्री, मतलब कितने डिग्री पे मुड़ जाती है आधा दाहिने मुड़ में? 45 डिग्री पर। इन तेज चल, द डिस्टेंस बिटवीन कैडेट्स इज डैश इंच। यहाँ पर डिग्री में दिया है, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे 45 इंच होता है। इन दाहिने सच, दाहिने सच की कार्रवाई के दौरान द स्क्वायर टेकिंस अ स्टेप फॉरवर्ड बाय 15 इंच। ठीक है, दाहिने सच की कार्रवाई में जो स्क्वायर दल होता है वो 15 इंच का कदम आगे बढ़ाता है। एंगल बिटवीन टोज एंड सावधान पोजिशन इज 30 डिग्री। ठीक है, सावधान पोजिशन के दौरान जो हमारे पैर के बीच में जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का होता है। इन पीछे मुड़, द स्क्वायर टर्न डैश डिग्री। ठीक है, पीछे मुड़ की कार्रवाई के दौरान 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, पार्ट टू, पार्ट टू क्वेश्चन नंबर फोर वेपन ट्रेनिंग से है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन वाइल फायरिंग अ शॉट? ठीक है, मतलब कि जब भी हम शॉट फायरिंग, मतलब कि फायरिंग के दौरान हम किस सीक्वेंस में अपनी कार्रवाई करते हैं, ये बताई गई है इस वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आता है एमिंग पोजीशन, लक्ष्य साधना कैसे थे, लक्ष्य साधना। ऑन टेकिंग द एम द फायर मस्ट टेक द प्रेशर। ठीक है, लक्ष्य लेने के दौरान, ठीक है, तो जो फायर होते हैं उसे थोड़ा शांत होना चाहिए। ब्रीदिंग मतलब कि सांस लेने की गति जो तुम्हारी है, जस्ट बिफोर टेकिंग एन एम, कि लक्ष्य लेने से पहले ब्रीदिंग मस्ट बी जेंटली रेस्ट्रेंड, सांस थोड़ी सी थाम लेनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट सो डैट व्हेन द फोर साइड कम्स टू द पॉइंट ऑफ एम द ब्रीद इज पार्शली एक्सहेल्ड। ठीक है, इट यह जरूरी होता है, क्योंकि जब तुम्हारी फोर साइड टिप है वो तुम्हारे लक्ष्य से सद जाए एकदम, तब फिर उस लक्ष्य से सद जाने का तो अपनी सांस छोड़ सकते हो। फायरिंग इमिडिएटली ऑन करेक्ट एम द सेकेंड प्रेशर विल बी टेकन। ठीक है, एंड शॉट फायर्ड, ठीक है, जल्दी से जब तुम्हारा लक्ष्य सही सद जाए तो सेकेंड प्रेशर विल टेकन, तो तुम्हें दूसरा अपने ऊपर दूसरा मतलब दूसरे कर्तव्य का पालन करना है, दूसरे पॉइंट का पालन करना है और अपने शॉट को फायर कर देना है। और अ सेकेंड और टू आफ्टर अ फायरिंग देयर शुड बी नो रिलैक्सेशन ऑफ द होल्ड और मूवमेंट ऑफ ट्रिगर फिंगर और हेड। जब तक कि तुम्हारा फायर ना हो जाए तब तक तुम्हारे तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे ट्रिगर ऑपरेशन में कोई, तो या फिर तुम्हारी उंगली में या सिर में कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू मतलब द होल्ड एंड एम मस्ट बी मेंटेन अंटिल द बुलेट हैज़ लेफ्ट द बैरल। बेटर स्टिल, फायर शुड अलाउ थ्रू अंटिल द बुलेट हैज़ रीच द टारगेट। द ओल्ड एंड एम, होल्ड मतलब पकड़, एम मतलब लक्ष्य। ठीक है, तुम्हारी पकड़ और जब तक लक्ष्य में, ठीक है, जब तक कि बुलेट मतलब कि गोली बंदूक से बाहर ना निकल जाए तब तक तुम्हारी पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हो सके जब तक तुम्हारा गोली लक्ष्य में घल जाए उसके बाद ही अपनी बंदूक ढीली करो। ठीक है, ये चार पॉइंट थे। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज़ द नॉर्मल प्रोसीजर ऑन द फायरिंग पॉइंट्स। ठीक, नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है? ठीक है, फायरिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? ठीक है, नीचे दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है द पार्टी टू फायर इज़ ब्रॉड विद इन द 100 यार्ड ऑफ द फायरिंग पॉइंट। ठीक है, जहाँ तुम्हारी फायरिंग रेंज है वो, ठीक है, जो पूरी पार्टी है जिसको फायरिंग करनी है वो 100 गज के अंदर इकट्ठी की जाती है। द प्रैक्टिस टू बी फायर्ड आर एक्सप्लेन, तुम किस तरह से फायर करोगे ये पूरी विधि तुम्हें बताई जाती है तुम्हारे कोचेज के अंदर या तुम्हारे इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा। फायरर्स आर डिटेल्ड टू टारगेट्स, जो फायरर्स होते हैं जिन्हें जो गोली चलाएंगे, मतलब बंदूक पॉइंट टू डीलक्स राइफल इस्तेमाल होती है उससे जो गोली चलाएंगे, ठीक है, तो उन्हें डिटेल किया जाता है। द फायरर्स
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोचेज एमिनेशन पार्टी एंड लुक आउट मैन टेक अप देयर पोजिशन। जो कोचेज होते हैं जो तुम्हें बताने वाला, एमिनेशन पार्टी जो गोलियों की देखभाल करता है, एंड लुक आउट मैन टू टेक अप देयर पोजिशन, और तुम लोग की पोजिशन किस पोजिशन में तुम फायरिंग करोगे वो तुम्हारी पोजिशन का देखने वाला डिटेल्ड हो जाएगा। द फर्स्ट टू डिटेल्स ओनली फॉर्म अप बिहाइंड देयर टारगेट्स, द फर्स्ट टू डिटेल्स जो पहले दो डिटेल्स हैं ओनली फॉर्म अप बिहाइंड देयर टारगेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द ऑर्डर ऑफ आगे बढ़ की कार्रवाई पर डिटेल एडवांस हो जाती है, ठीक है। द फर्स्ट डिटेल विल बी टेक अ पोजिशन ऑन द फायरिंग पॉइंट, ठीक है। अब जो जैसे तुम 25 गज की मतलब कि 25 गज या 20 गज की दूरी पे, ठीक है, तुम अपने टारगेट से दूर हो गए, ठीक है, तुम्हारे कोच है तुम्हारे इंस्ट्रक्टर तुमसे कहेंगे आगे बढ़, तो आगे बढ़ की कार्रवाई में तो अपनी सब पोजिशन ले लोगे, तुम्हें किस पोजिशन में फायरिंग करने वाले हो, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द लोअरिंग ऑफ द रेड फ्लैग एट द बट, ऑन द लोअरिंग ऑफ द रेड फ्लैग एट द बट द ऑफिसर सुपरवाइजिंग द फायरिंग पॉइंट मे ऑर्डर इज रेड फ्लैग टू बी टेकन डाउन एंड गिव द ऑर्डर ऑफ डिटेल एडवांस, ठीक है। ऑन द लोअरिंग मतलब रेड लाल झंडे को नीचे करते ही, ठीक है, एट द बट की तरफ द ऑफिसर सुपरवाइजिंग, जो ऑफिसर देखभाल कर रहा है उस जगह फायरिंग पॉइंट की, मे ऑर्डर हिज रेड फ्लैग टू बी टेकन डाउन, ठीक है, वो ऑर्डर देगा कि जो रेड फ्लैग है, ठीक है, टेकन डाउन एंड गिव द ऑर्डर, ठीक है, डाउन करके मतलब कि इशारा करेगा और ठीक है और ऑर्डर देगा कि डिटेल एडवांस अपनी पोजीशन लो, मतलब कि द कोचेस चेक अप देयर पोजीशन, जो कोच वहाँ पर ठीक है नियुक्त होंगे वो उन पोजीशन को ध्यान पे रखे पोजीशन को देखेगा एंड करेक्ट देयर उनको सही करेगा अगर ज़रूरत होगी एंड गिव द वर्ड ऑफ कमांड, ठीक है, और वर्ड ऑफ कमांड देगा लिम्बर अप, ठीक है, लिम्बर मतलब कि कोहनियों पे आ जा। ऑन दिस फायर मस्ट अलाइन राइफल्स एज दे हैव बीन टॉट, ठीक है, जैसा उन्हें मतलब कि फायरर्स को सिखाया गया है वो अपनी राइफल को वैसा करेंगे। द ऑफिसर विल देन गिव द ऑर्डर टू लोड एंड कैरी ऑन, ठीक है, फिर उसके बाद जो अधिकारी होंगे वो ऑर्डर देंगे तो बंदूक को लोड करने का और आगे कार्रवाई आगे बढ़ाने का। द नेक्स्ट पॉइंट है द फायरिंग विल स्टार्ट ओनली आफ्टर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम ऑफिसर इन चार्ज फायरिंग, जो फायरिंग स्टार्ट होगी आगे वो ऐसे स्टार्ट होगी गेटिंग, जैसे ही अधिकारी तुम्हें ऑर्डर मिलेंगे वैसे तुम्हारी फायरिंग शुरू होगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ फायर, ठीक है, फायर का क्रम पूरा होने के बाद द फायर मस्ट रेज देयर हैंड, ठीक है, फायर जिसने गोली जो गोली चलाता है वो अपने हाथ ऊपर उठाता है कीपिंग द एल्बो ऑन द ग्राउंड, ठीक है, अपनी कोहनियों को जमीन पर रखते हुए। ऑफिसर इन चार्ज, जो ऑफिसर वहाँ पर चार्ज में विल द गर्ड वर्ड ऑफ कमांड देगा खाली कर, कार्रवाई होती है खाली कर, बिफोर दिस ही मस्ट एंश्योर डैट ऑल हैव फिनिश्ड, उसे ये चेक कर लेना मतलब कि खाली कर कार्रवाई से पहले जो फायरर उसे सब चेक कर लेना चाहिए कि उसने सारी कार पूरे कर दी है या नहीं। ऑन दिस द फायर्स विल टेक अप देयर राइफल्स ऑन टू देयर शोल्डर्स, इसके बाद जो फायरर होते हैं वो बंदूक अपने कंधों पर रखेंगे एंड मूव देयर बोल्ट ट्वाइस, और उसके मतलब कंधे से लगाएंगे और उसके जो बोल्ट है उसको दो बार, ठीक है, एंड मूव उसके जो बोल्ट को दो बार ऊपर नीचे करेंगे और प्रेस दोनों बारी प्रेस द ट्रिगर एंड स्टैंड अप और ट्रिगर दबाने का खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है ताकि तुम्हारी बंदूक में कोई राउंड फंसा या फिर जितना कारतूस ना बच गया हो। इसका नेक्स्ट है द ऑफिसर इन चार्ज विल गिव द कमांड डिटेल रिपोर्ट, ठीक है, इसका जो ऑफिसर है वो जो चार्ज में होगा वो एक कमांड देगा डिटेल रिपोर्ट, जो मतलब कि जो फायरर्स होगा, ठीक है, उन्हें अपने पास बुलाएगा। ऑन दिस द फायरर्स वुड रिपोर्ट, इसके बाद जो फायरर्स होंगे वो रिपोर्ट देंगे। नंबर एक राइफल ठीक, ठीक है, जैसे लाइन से चार लोग हैं या पांच लोग हैं तो वो क्या, नंबर एक राइफल ठीक, दो ठीक, तीन ठीक, नंबर चार राइफल ठीक, द रिपोर्ट विल बी फॉर्म लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जो कार्रवाई रिपोर्ट या फिर कार्रवाई इस तरह से लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ चलेगी। नॉर्मली फोर टारगेट्स आर यूज्ड इन मिनिएचर रेंज, ठीक है, एक इस प्रकार की रेंज में नॉर्मली सामान्य तौर पर चार टारगेट्स इस्तेमाल होते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट फायरर विल से नंबर एक राइफल ठीक, ठीक है, एंड द रेस्ट विल से दो ठीक, तीन ठीक एंड सो ऑन, ठीक है, जो पहला और अंतिम फायरर है कहेगा वो ये कहेगा
नंबर एक ठीक, नंबर एक राइफल ठीक, मतलब कि नंबर एक की जो राइफल थी वो एकदम ठीक है, एंड जो अगले जो बाकी पहला और अंतिम कहेगा ऐसा, बाकी के जो बीच के होंगे वो कहेंगे दो ठीक, तीन ठीक, चार ठीक, पांच ठीक, एंड सो ऐसा चलता रहेगा। इसके बाद अगला है, अगला पॉइंट है द डिटेल आर चेंज बाय वर्ड ऑफ कमांड एंड द न्यू डिटेल विच हैज़ बीन वेटिंग कम्स अप वाइल अंदर डिटेल्स फॉर्म अप बिहाइंड। ठीक है, इसके बाद जिस डिटेल ने फायरिंग कर ली है वो उड़ जाएगी और दूसरी डिटेल जिसको जो इंतज़ार कर रही है फायरिंग करने के लिए, ठीक है, उसको एडवांस की एडवांस मतलब कि डिटेल एडवांस की कार्रवाई पर आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला है पॉइंट है बिफोर द फायर लीव द रेंज। ठीक है, फायरर्स रेंज को छोड़ने से पहले दे विल हैव अ फर्दर वेपन इंस्पेक्शन। ठीक है, रेंज को छोड़ने से पहले एक बार और वेपन्स की जांच होगी, एमिनेशन की जांच होगी। ठीक है, ईच फायरर विल बी आस्क्ड वेदर शी हैज़ एनी लाइव एमिनेशन। ठीक है, हर एक फायरर से, हर एक मतलब राइफल चलाने वाले से पूछा जाएगा क्या उनके पास कोई जिंदा कारतूस तो नहीं है। इट विल बी एनश्योर डेट दे हैव नो लाइव एमिनेशन। ये इसकी जाँच जाँच पड़ताल की जाएगी, उनके पास कोई भी जिंदा कारतूस ना रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम्स में आते ही हैं बी या सी सर्टिफिकेट के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिफाइन लॉज ऑफ एमिंग। ठीक है, ठीक है, लक्ष्य के नियम लिखो, लक्ष्य के सिद्धांत लिखो। पहला पॉइंट है फोकस द टारगेट सो डेट अ क्लियर पिक्चर इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई एंड गेट द ट्रू सेंटर ऑफ द टारगेट। ठीक है, अपने टारगेट मतलब लक्ष्य को ध्यान से देखो, सो डैट जो क्लियर पिक्चर इज फॉर्म्ड, एक साफ पिक्चर बन जाए आपके आँख के रेटिना पर। ठीक है, गेट द ट्रू सेंटर ऑफ द टारगेट, गेट द ट्रू सेंटर ऑफ द और टारगेट लक्ष्य का असली केंद्र दिख जाए। देन विद द आई फोकस टू द फोर साइट, उसके बाद आँख से फोर साइट पर ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट, होल्ड द राइफल प्रॉपरली, अपनी राइफल को मजबूत पकड़ो एज हैज़ ऑलरेडी बीन टॉट एंड कीप इट अपराइट, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है क्लोज द लेफ्ट आई। ठीक है, आपको अपनी बाई आंख बंद करना है एंड फोकस द फोर साइट और फोर साइट टिप पर ध्यान लगाना है। इसका डी, सी द फोर साइट थ्रू द बैक साइड, अपनी बैक साइड से फोर साइट को देखना है, फोर साइड यू को। ठीक है, इसका द फोर साइट शुड बी सीन राइट इन द सेंटर ऑफ द यू, जो फोर साइड टिप है वो क्या है, आपको शुड बी सीन इन राइट इन द सेंटर, आपको बिल्कुल बीचों बीच देखना है यू के। द टिप ऑफ द फोर साइड मस्ट बी अलाइन इन द सेंटर, जो फोर साइड टिप है वो सेंटर में ही आनी चाहिए, एंड लेवल विद द शोल्डर ऑफ द यू। ठीक है, और अपने कंधे से उसको एक यू के शेप में लाते हुए फोर साइड टिप को और अपनी आँख को और बैक साइड टिप को एक ही सिस्ट में यू में लेकर आना है। पार्ट थ्री आता है, मिसलेनियस में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेशनल इंटीग्रेशन से आता है, नेशनल इंटीग्रेशन मतलब तो राष्ट्रीय एकता। तो पहला क्वेश्चन ये है उसका, डिफाइन नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन होता क्या है। तो नेशनल इंटीग्रेशन इज़ अ पॉजिटिव कंसेप्ट टू इनकलकेट फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस अमंगस्ट डाइवर्स सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। तो नेशनल इंटीग्रेशन इज़ अ पॉजिटिव कंसेप्ट टू इनकलकेट फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, मतलब कि पॉजिटिव सकारात्मक फीलिंग लाना, सफरा सकारात्मक भाव लाना, टुगेदर ने मतलब एकत्रित होने की भावना लाना हमारे बीच में। ठीक है, ठीक है, जो विभिन्न विभिन्न वर्गों से आते हैं समाज के। इट इज़ नॉट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑल रिलीजियस ड्रेस एंड फूड हैबिट्स एक्ट्रा, इट इज़ नॉट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस ड्रेस एंड फूड हैबिट्स एक्सेट्रा। जैसे कि देखा गया कि इट इज़ नॉट द यूनिफॉर्मली, ठीक है, हमारे समाज में ज़्यादातर रिलीजन धर्म हैं। ठीक है, धर्म अलग अलग हैं, ड्रेस अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन फूड हैबिट्स अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन हम लोग NCC के थ्रू आपस में मिलजुल कर एक हो जाते हैं, तो ये नेशनल इंटीग्रेशन की भावना दिखाता है। इट मीन्स बोथ प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड एट द सेम टाइम लिविंग रिस्पेक्टिंग एंड वर्किंग इन हारमोनी विथ ईच अदर फॉर द ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट ऑफ डाइवर्स कल्चर, बिल्कुल विभिन्न कल्चर से आते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है, एक ही समय में वे साथ में रहते हैं, एक दूसरे रिस्पेक्टिंग, एक दूसरे सम्मान करते हैं, वर्किंग इन हारमोनी, एक साथ कार्य कर रहे हैं किसी कार्य को लेकर, एंड ई एंड विथ ईच अदर, एक साथ एक दूसरे के साथ, फॉर द ओवर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, अपने राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। तो राष्ट्रीय एकता किसी राष्ट्र की कामयाबी के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग। देखो इनके कुछ पॉइंट दिए हैं, पहला पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले है सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, ठीक है, सामाजिक एकता लाने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड हारमोनी, शांति और अहिंसा कायम रखने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, राष्ट्र के विकास के लिए, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड लिटरेसी, गरीबी और अशिक्षा को हटाने के लिए, इरेडिकेशन मतलब हटाना है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, नियम और कानून की, ठीक, कल्चर एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, ठीक है, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल, औद्योगिक और इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक विकास, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, ठीक है, बाहरी देशों का हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के लिए, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड कल्चर, ठीक है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मतलब कि आदान प्रदान करने के लिए, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ नेशन, ठीक है, हमारे ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान का बात भी होती है राष्ट्र की, अगर हम लोग एकत्रित होकर रहते हैं, वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, के समाज और लोगों की सुरक्षा और सावधानी के लिए, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस एंड बेटर स्टैंडिंग अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया की बिरादरी में जो फॉरेन रिलेशंस हैं और बेटर स्टैंडिंग है, ठीक है, ठीक है, विदेशी संबंध है हमारे जो, और जो हमारी उनसे समझ है इसको बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, व्हाट आर द मेजर इंडियन रिलीजियंस एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, भारतीय समाज मतलब कि व्हाट द मेजर इंडियन रिलीजियंस, ठीक है, भारत के मुख्य धर्म कौन से हैं एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और हमारे देश में उसकी आबादी क्या है। तो पहला क्वेश्चन है मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर नाइन है, उसका आंसर है हिंदूज, हमारे देश में 83.5% हिंदूज हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म है हमारे देश में फैला हुआ है, 83.5% इसकी आबादी है। दूसरे नंबर पे आता है मुस्लिम धर्म, 10.7% इसकी आबादी है। फिर आता है तीसरे नंबर पर क्रिश्चियन धर्म, 2.44% इसकी आबादी है। फिर आता है सिख धर्म, 1.79% आबादी आती है। फिर आता है बुद्ध धर्म, 0.74% इसकी आबादी हमारे देश में। अगला क्वेश्चन सॉरी अभी एक और है, जैन धर्म आते हैं, जैन से हमारे 0.46% जैन है हमारे देश में, और अदर कास्ट या अदर सॉरी अदर धर्म हमारे देश में 0.37%। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, द पॉलिसी ऑफ सुकुल, पीस विथ ऑल वॉज अडॉप्टेड बाय अकबर, ट्रू, सॉरी द पॉलिसी ऑफ सलकुल, सलकुल सलकुल मतलब पीस विथ ऑल मतलब शांति सभी के साथ, ये अपनाई गई थी अकबर के द्वारा, ये ट्रू है। इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू गॉड्स एंड न्यू मेथड्स ऑफ वर्शिप वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय द ड्रेविडियंस, ठीक है, तो ये फॉल्स है, ठीक है, नए नए भगवान या फिर नए तरीके पूजा करने के तो भारत लाए गए थे वो ड्रेविडियंस के द्वारा, ये गलत है। नेक्स्ट है द ब्रिटिश इन इंडिया फॉलोड अ पॉलिसी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो भारत में एक पॉलिसी एक रूल लेकर आए थे डिवाइड और मल्टीप्लाई, मतलब कि भाग दो और गुणा करो, तो ये गलत है, डिवाइड एंड रूल था, तोड़ो और राज करो। डी अगला क्वेश्चन है, जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न इन 4 BC इन जुडे जुडेइया, तो ये फॉल्स है।
जीसस क्राइस्ट का जन्म वैसे भी जेरूसलेम में हुआ था। ठीक है, इसका ई है गौतम बुद्ध वॉज द सन ऑफ इंडियन प्रिंस शुद्धोधन। ये गौतम बुद्ध, ठीक है, भारतीय भारत के प्रिंस शुद्धोधन के पुत्र थे। ट्रू है ये। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ नेशनल यूनिटी। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत क्या हैं। दीज आर एस अंडर, ये नीचे दिए हुए हैं। पहला है लैंग्वेज, भाषा, कास्टिज्म, जातिवाद, एजुकेशन, शिक्षा। अगला है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, रीजनलिज्म, धर्म। ठीक है, इसके बाद अगला आता है लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर लीडरशिप ट्रेट्स, मतलब लीडर लीडर के एक अच्छे लीडर के गुण क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है अलर्टनेस, हमेशा चौकन्ना रहता है। बियरिंग, उसका पहनावा, उसका करेज, उसका साहस। डिसिसिवनेस, डिपेंडेबिलिटी, ठीक है, आत्मनिर्भरता। एंड्यूरेंस, इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी, एकता। जजमेंट, न्याय, जस्टिस, जस्टिस, ठीक है, न्याय। नॉलेज, ज्ञान, लॉयलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, टैक्टफुल, अनसेल्फिशनेस, कभी अपने बारे में नहीं सोचता। ये कुछ गुण होते हैं अच्छे नेता के। इसके बाद लिस्ट आउट, क्वेश्चन नंबर 13 है, लिस्ट आउट वैल्यूज़ एंड वैल्यूज़ ऑफ अ गुड एंड सक्सेसफुल लीडर। ठीक है, एक अच्छे और कामयाब लीडर के कुछ गुण लिखो। तो अच्छे और कामयाब लीडर के गुण इस प्रकार होते हैं। पहला होता है ऑनेस्टी, है ईमानदारी, नॉट टू स्टील, चीट और लाइ, वे कभी भी चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, और चीट, किसी को धोखा नहीं देता। इंटीग्रिटी, अपराइटनेस, ठीक है, उसमें एकता, ठीक है, एकता कूट कूट कर भरी होती है। प्योरिटी, पवित्रता। न्यू डुप्लिसिटी, इनसिंसियरिटी इन थॉट, वर्ड और डीड, वह कभी झूठ नहीं बोलता, कभी भी इन लापरवाह नहीं होता, ठीक है, और अपने शब्दों को का कच्चा नहीं होता। डिसिप्लिन, अनुशासन, बिहेवियर अकॉर्डिंग टू इसेंशियल रूल्स एंड नॉर्म्स विच इज़ सेल्फ इम्पोज्ड। ठीक है, उसका व्यवहार, बिहेवियर मतलब उसका व्यवहार अकॉर्डिंग, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से, नियम से, एंड नॉर्म्स विच इज़ सेल्फ इम्पोज्ड, और उसका खुद का आत्मानुशासन। ठीक है, इसका सेल्फलेसनेस, ठीक है, सभी के बारे में सोचता है, ठीक है, एक अच्छा नेता सभी के, अनसेल्फिशनेस, सेल्फलेसनेस, ठीक है, वह सभी के बारे में सोचता है। राइज अबव सेल्फिश, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। सेल्फ सेंटर्ड, इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ सेक्रीफाइस, अपना बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लॉयलिटी, ठीक है, ट्रू सच्चा, फेथफुल, ठीक है, विश्वास पात्र, फेथफुल टू ड्यूटी, अपने काम के प्रति विश्वास योग्य। लव और ऑब्लिगेशन टू पर्सन, इंस्टीट्यूशन, फेथफुल इन एलिजियंस टू द नेशन और मदर कंट्री। अगला फेयरनेस, बीइंग इम्पार्शियल, भेदभाव कभी नहीं करता, गिव राइट डिसीजन, हमेशा सही डिसीजन, सही निर्णय लेता है। इक्वलिटी, ट्रीट एवरी वन इक्वली, सभी को बराबर दर्जा देता है और सभी को बराबर तरीके से बात करता है। ट्रस्ट, भरोसा, फर्म बिलीफ इन द रिलायबिलिटी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सम वन और समथिंग। सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट, सभी सपोर्ट मतलब किसी का सपोर्ट मतलब सहायता करना। गिव हेल्प, मदद करता है। एनकरेजमेंट, दूसरों को बढ़ावा देता है। और अप्रूवल, रिस्पेक्ट, सम्मान, अ फीलिंग ऑफ एडमायरेशन फॉर समवन बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज। ठीक है, एडमायरेशन मतलब कि दूसरे की तारीफ करने के भावना बिकॉज ऑफ देयर उसके गुणों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन टू एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, दो दो एलिमेंट्स लिखो परसेप्शन के। परसेप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और स्क्रीनिंग विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम प्रोसेसिंग इरिलीवेंट और डिसरप्टिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, परसेप्शन एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या सिलेक्शन होती है और या फिर स्क्रीनिंग होती है जो हमें प्रिवेंट्स बचाती है, प्रिवेंट्स अस, हमें बचाती है फ्रॉम प्रोसेसिंग इस प्रक्रिया से, इरिलीवेंट और डिसरप्टिव प्रक्रिया से।
ठीक है, इन्फॉर्मेशन से, जानकारी से। अगला पॉइंट है, देयर इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुली इम्प्लाइंग डेट द इन्फॉर्मेशन डेट इज प्रोसेस हैज़ टू बी ऑर्डर्ड एंड क्लासीफाइड इन सम लॉजिकल मैनर विच परमिट्स अस टू असाइन मीनिंग टू द स्टिमुली सिचुएशन। ठीक है, एक संघ होता है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप का एक संघ होता है जो स्टिमुली इम्प्लाई करता है इन्फॉर्मेशन जानकारी को डेट प्रोसेस जो प्रक्रियात्मक तरीके से ऑर्डर होके एंड क्लासीफाइड इन सम लॉजिकल मैनर। ठीक है, एक तरीके से विच परमिट्स जो हमें परमिट करती है टू असाइन मीनिंग टू स्टिमुली सिचुएशंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लीडर, लीडर क्या होता है। अ लीडर इज वन हु इन्फ्लुएंसेस मैन एंड मटेरियल टू विन द गोल। ठीक है, हु इन्फ्लुएंसेस मैन एंड मटेरियल टू विन द गोल। एक लीडर जो आदमी को या किसी दल को इन्फ्लुएंस मोटिवेट करे, इंस्पायर करे अपना गोल पाने में, अचीव करने में, लक्ष्य प्राप्त करने में। व्हाट आर टाइप ऑफ लीडर्स। ठीक है, लीडर कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है बॉर्न लीडर्स, जब से जो पैदा होते हैं। ट्रेंड लीडर्स जो तैयार किए जाते हैं। अज्यूम्ड लीडर्स जिन्हें मान लिया जाता है। डिफाइंड ड्यूटी, ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी में भी डिफाइंड एज मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशंस एंड अ बाइंडिंग फोर्स ऑफ व्हाट इज नाइट एंड गुड बिहेवियर टुवर्ड्स सुपीरियर कुलीग्स एंड सबॉर्डिनेट्स। ड्यूटी क्या होती है, एक मॉरल लीगल ऑब्लिगेशन होता है जो क्या है फोर्स को या फिर दल को, यानी बाइंडिंग फोर्स होती है, ठीक है, एक दूसरे को बांध के रखती है। व्हाट इज नाइट एंड गुड बिहेवियर, जो कि एक अच्छा और अच्छा व्यवहार दिखाता है टूवर्ड सुपीरियर, अपने से बड़े के, अपने जो हमारा साथी है अपने से बड़े सुपीरियर के, और जो हमारे साथ वाला सबॉर्डिनेट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अगला है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिफाइन डिज़ास्टर, पहला क्वेश्चन आता है डिज़ास्टर होता क्या है। डिज़ास्टर डिनोट्स एनी ऑड इवेंट नेचुरल, एनी ऑड इवेंट नेचुरल और मैन मेड विच ब्रिंग्स आउट इमेंस मिजरी टू अ रीजन एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉप अप विद द सिचुएशन थ्रू लोकल रिसोर्सेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर, नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर क्या होता है, आपदाएँ क्या होती हैं। ठीक है, ये प्राकृति, प्राकृतिक या मानव निर्मित एक बुरी घटना की तरह होते हैं जो हमें बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी मुसीबतें लेकर आती हैं। ठीक है, ठीक है, टू कोप अप विद सिचुएशन थ्रू लोग, और क्या है, और लोकल अथॉरिटीज़ की मदद से हमें उनसे, उन आपदाओं से बचना होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। वॉट आर नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएँ क्या होती हैं। तो पहली होती है विंड रिलेटेड, ठीक है, हवा से रिलेटेड होती है, स्टॉर्म, तूफान, ठीक है, ये सब उन्हीं के ही एक तरह, एक प्रकार के पर्यायवाची हैं। स्टॉर्म मतलब कि हवा का तेज जोर चलना है, साइक्लोन मतलब तूफान, ठीक है, टॉर्नेडो, स्टॉर्म सर्ज, ठीक है, बवंडर, टाइडल वेव्स, हवा की बड़ी तेज लहरें भी। दूसरा है वाटर रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़, क्लाउड बर्स्ट, बादल का फट जाना, फ्लैश फ्लड, ठीक है, अचानक से बाढ़ आ जाना, तेज़ी से एक्सेसिव बहुत तेज़ बारिश हो जाना, एंड ड्राउट और सूखा पड़ जाना। अर्थ रिलेटेड, तो धरती से रिलेटेड है, अर्थक्वेक, भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, पानी के अंदर धरती फट जाना, अवलांच, ठीक है, पहाड़ का मतलब कि ढह जाना, लैंडस्लाइड जाना, भूस्खलन हो जाना, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, ज्वालामुखी का फट जाना, ठीक है। वाटर मैनमेड डिज़ास्टर्स, ठीक है, अप्राकृतिक आपदाएं या मानव निर्मित आपदाएं इस प्रकार होती हैं। तो एक्सीडेंट्स, तो एक्सीडेंट्स पहला है, एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट होता है रोड, रेल, एयर, सी एंड बिल्डिंग कोलैप्स। ठीक है, रोड पर जो हमसे एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाएं हो जाती हैं, रेल के दुर्घटनाएं होती हैं, हवा में हवाई दुर्घटनाएं होती हैं, हवाई जहाज बढ़ जाते हैं, सी समुद्र में बड़े बड़े जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स, ठीक है, बिल्डिंग का अचानक से ढह जाना, ठीक है। बी होता है इंडस्ट्रियल मिशैप्स, ठीक है, जो बड़ी बड़ी जो मील्स होती हैं, फैक्ट्रीज, वहाँ पे गैस लीक हो जाना, एक्सप्लोजन, बड़े मतलब कि ब्लास्ट हो जाना, सैबोटेज एंड सेफ्टी ब्रीच। इसके बाद आता है सी, फायर, बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंगों में कोल और ऑयल की, मतलब कि ऑयल की खदानों में आग लग जाना, ठीक है। अगला है डी, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज फॉरेस्ट फायर आर ओफन मैन मेड, ठीक है, बड़े बड़े ट्रॉपिकल सदाबहारी कंट्री देशों में
ठीक है, जो आग लगाई जाती है वह मानव निर्मित होती है। कंटेमिनेशन, पॉइजनिंग, ठीक है, सड़ाना और बदबू फैलाना जैसे, ठीक है, और जहरीली हवा, ठीक है, सड़ जाना जैसे खाना सड़ जाता है, वाटर ख़राब हो जाता है, जहरीला हो जाता है, इलिसिट लिक्वर एंड एपिडेमिक्स, ठीक है, महामारी वगैरह है, इस वजह से फैलती है। अगला आता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियाँ। अगला आता है इकोलॉजिकल, ठीक है, वातावरण में जो हम लोग गंदगी फैलती है हमारे द्वारा, वो होता है पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है, पॉल्यूशन में तो एयर वाटर नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, सॉयल डिग्रेडेशन, ठीक है, सॉयल डिग्रेडेशन मतलब कि जमीन की कटाई करना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, सी लेवल समुद्री लेवल का बढ़ जाना, टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, टॉक्सिक बायो जो मेडिकल वेस्ट होते हैं वो टॉक्सिक वेस्ट एक तरह से होते हैं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, ठीक है, परमाणु दुर्घटनाएं होती हैं, वॉरफेयर, कन्वेंशनल केमिकल न्यूक्लियर, ठीक है, ये सब वॉरफेयर हो गया। इसके बाद आता है अगला सोशल सर्विस, ठीक है, समाज सेवा या फिर सामाजिक सेवा क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल सर्विसेज, विभिन्न प्रकार की सोशल समाज सेवाएं क्या होती हैं। सबसे पहली सेवा होती है एजुकेशन, शिक्षा प्रोवाइड कराना। फिर अगला था फैमिली वेलफेयर, ठीक है, परिवार, ठीक है, इसके बाद आता है मेडिकल केयर, ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग एंड न्यूट्रिशन, इसके अगला पॉइंट है प्रोविज़न ऑफ वाटर एंड कुकिंग फ्यूल, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन। अगला पॉइंट है ओल्ड एज सपोर्ट सिस्टम, बड़े बूढ़ों की मदद करना, ठीक है, और प्रोविज़न ऑफ वाटर कुकिंग फ्यूल्स, ठीक है, पानी और खाने बनाने वाले तेल की, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और सैनिटेशन, इन सब की रख रखाव और बचत करना, एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी प्रदान करना समाज सेवा में आता है, सोशल असिस्टेंस, सोशल सिक्योरिटी एंड केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, देखभाल करना, ठीक है, हाउसिंग एंड रिहेबिलिटेशन। इसके अगला पॉइंट आता है रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज़, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सब क्या आते हैं, सोशल सर्विस के अंतर्गत आते हैं। वॉट आर वेरियस आर्ग्यूमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 है, वॉट आर वेरियस आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। तो सोशल डाइवर्सिटी इज़ अ डिज़ायरेबल इन कैंपसेस एंड वर्क प्लेसेस, इट कैन ब्रिंग आउट हिडन टैलेंट और सोसाइटी। तो वॉट आर वेरियस आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, ये क्या होते हैं, तो सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक डाइवर्सिटी क्या होती है, इज डिज़ायरेबल इन कैंपस एंड वर्क प्लेसेस, ठीक है, जो हमारे कार्य करने वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, इट कैन ब्रिंग आउट हिडन टैलेंट ऑफ सोसाइटी, ये छुपा हुआ टैलेंट का सोसाइटी का बाहर लेकर आते हैं, ठीक है। बी वन वे टू डू इट इज़ टू प्रोवाइड रिलैक्स्ड एंट्री क्राइटेरिया फॉर अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स को, ठीक है, क्या है ये, क्या है वन वे रिलैक्सेशन, रिलैक्स्ड एंट्री, ठीक है, आराम से एंट्री प्रदान करने का मौका देती है। अगला पॉइंट है हार्डशिप फेस्ड बाय दोज इन जनरल कैटेगरी इज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सीट्स इन प्रोफेशन कॉलेजेस एंड शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड नॉट ड्यू टू रिजर्वेशन। हार्ड से मुश्किलें पैदा होती हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए, क्योंकि सीट्स की कमी होती है कॉलेजेस में और रोजगार में, ठीक है, मौके कम होते हैं, नॉट ड्यू टू रिजर्वेशन, रिजर्वेशन की वजह से नहीं। वॉट आर वेरियस पॉइंट्स अगेंस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ, रिजर्वेशन आरक्षण के खिलाफ कुछ बिंदु इस प्रकार, इकोनॉमिक कंडीशन शुड बी द बेसिस फॉर रिजर्वेशन, आर्थिक स्थितियाँ, ठीक है, आरक्षण के आधार पर होनी चाहिए, रिजर्वेशन डिसीजन आर टेकन कीपिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन माइंड, ठीक है, आरक्षण के जो डिसीजन होते हैं वो हमें क्या है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है, राजनीतिक रुचियाँ देख कर ही की लेने चाहिए, ठीक है। एलोकेशन ऑफ कोटास ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन एंड दस कॉन्ट्ररी टू राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, एलोकेशन कोटा के तहत किसी को तुम कोई काम दे देते हो और उनकी कास्ट के तहत दे देते हो तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, और ये राइट टू इक्वलिटी, और ये राइट टू इक्वलिटी एकता के खिलाफ है, ठीक है, लेकिन बराबर का किसी तुम मानते हो तो बराबर के खिलाफ है।
मेरिट इज सेवियरली कम्प्रोमाइज्ड बाय रिजर्विंग सीट्स बाय सर्टेन कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज। मेरिट इज सेवियरली कम्प्रोमाइज्ड, जो मेरिट है सेवियरली कम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज टाइप की रहती है, बाय रिजर्विंग सीट के लिए फॉर सर्टेन कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज, जो कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज होती है। कास्ट सिस्टम इज बींग केप्ट अलाइव बाय रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण पॉलिसी के तहत जो कास्ट सिस्टम आज भी जिंदा है। डिफाइन फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन वर्ड होता है, क्या होता है? फैमिली प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ वॉलेंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेड बाई इंडिविजुअल एंड कपल्स एज टू द डिजायर्ड फैमिली साइज एंड टाइमिंग ऑफ बर्थ। ठीक है, फैमिली प्लानिंग में अंतर्गत आता है कि ये कपल्स के दौरान या खुद के द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि हमारी फैमिली ही छोटी होगी, बड़ी होगी, और ठीक है, और बर्थ जन्म देने के समय क्या होंगे। व्हाट द वेरियस मेथड्स फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के क्या अलग अलग विधियाँ हैं या तरीके हैं? तो वैसेक्टॉमी, ठीक है, नसबंदी एक प्रकार होती है, ट्यूबिक्टॉमी, ठीक है, वैसेक्टॉमी बॉयज की नस बंद कर दी जाती है, ट्यूबिक्टॉमी में लेडीज़ की, ठीक है, और कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक कॉन्डम्स एंड डायफ्राम्स, कॉन्डम का इस्तेमाल करके भी आप अपना परिवार नियोजन कर सकते हैं, ओरल पिल्स और गोलियां भी आते हैं। डिफाइन HIV, HIV क्या होता है? HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV का फुल फॉर्म होता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज अ वायरस डेट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द बॉडीज इम्यून सिस्टम, यह तेजी से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को विनष्ट कर देता है। ठीक है, हाइजीन एंड सैनिटेशन, ठीक है, साफ सफाई, ठीक है, क्या होता है, व्हाट इज हाइजीन? हाइजीन इज अ साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोमोटिंग हेल्थ पर्सनल एंड पब्लिक। ठीक है, हाइजीन से होता है ये, ठीक है, इज अ साइंस, एक तरह का विज्ञान है जो डील्स विथ, ठीक है, प्रोमोटिंग हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो एक प्रकार का सिद्धांत है, ठीक है, खुद की या फिर पब्लिक की, जनता की। व्हाट इज सैनिटेशन? सैनिटेशन द आर्ट ऑफ कीपिंग आवरसेल्फ सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। सैनिटी का मतलब होता है सफाई, ठीक है, सैनिटिंग होती है, ये कला होती है आवर्स खुद को और हमारे वातावरण को साफ रखने की। व्हाट इज पर्सनल हाइजीन? ठीक है, खुद की सफाई से क्या होता है? क्लीनलीनेस ऑफ हेयर, बालों का साफ होना, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड स्किन, ठीक है, हमारे शरीर का साफ होना, क्लीनलीनेस ऑफ नेल्स, हमारे नाखून का साफ होना, क्लीनलीनेस ऑफ क्लोथ, हमारे कपड़ों का साफ होना, क्लीनलीनेस ऑफ टीथ, हमारे दांतों का साफ होना। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, प्योरिफाई वाटर, मतलब कि तुम पानी को साफ कैसे करोगे? सेडिमेंटेशन के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, फिल्टर कर दो, स्टरलाइजेशन के द्वारा, ठीक है, उसमें क्लोरीन डाल के, क्लोरीनेशन के द्वारा, और पानी को उबाल के, मतलब बॉयलिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 में आता है, वाटर टाइप्स ऑफ लेटरिंग, लेटरिंग कितने प्रकार के होते हैं? पहला है वाटर कैरियर सिस्टम, ठीक है, वाटर कैरियर सिस्टम, ठीक है, दूसरा एक्वाप्रेनी भी एक प्रकार है, ठीक है, रिमूवल सिस्टम, निकाल देना, ठीक है, डीप ट्रेंच लेटरिन, ये भी एक प्रकार होता है, और शैलो ट्रेंच लेटरिन, ठीक है, इन सब की फ़ोटो तो मैं नाम डाल देना, तो मैं इसके क्या बोलते हैं, गूगल पर दिख जाएंगे, गूगल फोटोज में देख लेना। इसके बाद व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मलेरिया, ठीक है, ठीक है, मलेरिया से बचाव करने के लिए क्या उपाय हैं? ठीक है, तो पहला है DDT का स्प्रे करा लो भाई, पहला DDT का स्प्रे ले करा लो, यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी का उपयोग करो, यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ठीक है, के यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ठीक है। इसके बाद वेयरिंग फुली कवर्ड ड्रेस, पूरे कपड़े पहनो, अवॉइड स्टैगनेंट वाटर एंड नियर लिविंग एरिया, ठीक है, जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, स्प्रे कैरोसिन ऑयल एंड स्टैगनेंट एंड ड्रेनेड वाटर नाली में, और जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर कैरोसिन मैंने मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दें। और कुछ इसका आता है एडवेंचर एक्टिविटीज़, साहसिक क्रियाएँ या सीरियस क्रियाकलाप, वॉट आर द वेरियस, क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान सुनो, वॉट आर द वेरियस लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़, ठीक है, धरती से जुड़ी हुई कुछ साहसिक क्रियाओं का नाम बता दो। तो भाई पहला तो है माउंटेनियरिंग, ठीक है, पर्वत की चढ़ाई करना, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, ऑल इंडिया ट्रैक्स, पूरे भारत में साइकिल के द्वारा भ्रमण करना, बाइकों के द्वारा भ्रमण करना, साइकिल एंड मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एडवेंचर ट्रेनिंग, ठीक है, साहसिक, ठीक है, ट्रेनिंग, साहसिक प्रशिक्षण से आपका इसका क्या कहते हैं? द ट्रेनिंग गिवन टू द कैडेट, ठीक है,
जो कैडेट्स को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाता है या यूथ को जवानों को बाय द एनसीसी के थ्रू नेशनल कैडेट कोर के कॉर्प्स के द्वारा टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, एक अच्छे नेता के गुण, एक अच्छे नेतृत्व के गुण उसमें विकसित हों, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, डिटर्मिनेट, दृढ़ता, फीलिंग्स ऑफ टीम स्पिरिट। ठीक है, एक दल की भावना, एक दल की भावना या फिर ठीक है टीम समूह भावना। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी क्या होती है, पर्यावरण और इकोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ द इफेक्ट अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज पॉजेसेस द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द वेरी एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फ्लोरा एंड फौना अराउंड द ग्लोब। तो सुनते हैं हिंदी में अब क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाने की वजह से, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, विश्व के तापमान में बढ़ोतरी की वजह से, ठीक है, ओजोन लेयर जो हमारे परत को में को बुरी रेडिएशन बचाती है उसको ख़त्म होने की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल होने की वजह से पॉज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द वेरी एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये सबसे बड़े दुश्मन है हमारे, ठीक है, और मानव ह्यूमन बींग्स मतलब कि मतलब ह्यूमन बींग्स क्या है, इनके से बहुत मतलब कि जीने में कठिनाई होगी। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना अराउंड द वर्ल्ड एंड फ्लोरा और फौना, फ्लोरा और फौना के जंगल में भी, ठीक है, जो हमारे मतलब कि ग्लोब में दिए हुए हैं। डिफाइंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण सॉरी हाँ पर्यावरण क्या होता है, द कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट मेक अप इट्स एनवायरनमेंट। छोटा सा है, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है, एक 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 सिचुएशन या एक स्थिति जिसमें क्या ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अलग अलग जीव रहते हैं उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 आता है, व्हाट आर द एफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का इफेक्ट, व्हाट आर द एफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, क्या क्या मतलब है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, सबसे पहला। दूसरा एसिड रेन, तीसरा है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर खत्म होना, एसिड रेन का हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक प्रकार की रेन होती है, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, ठीक है, आवश्यकता अधिक तापमान बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग में अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स टुवार्ड्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनसीसी कैडेट्स कैन टेक फॉलोइंग एक्शन टू कर्व एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण डिग्रेडेशन, पर्यावरण को खत्म मतलब कि खतरे को थोड़ा कम करने के लिए एनसीसी कैडेट्स कुछ कार्य कर सकते, ट्री प्लांटेशन करते हैं हम लोग करते हैं, क्या है, पौधरोपण करते हैं, गाइड एंड मोटिवेट फैमिली एंड फ्रेंड्स टू कंट्रोल एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। ठीक है, हम अपने परिवारों को और समाज को हम और अपने दोस्तों को समझा सकते हैं कि हमारे पर्यावरण की कैसे रक्षा करें, वाटर के अंदर पानी को बचा कर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है, और गंदगी को ठीक है, गंदगी को पानी में डिस्पोज ना करके एजुकेट द पीपल, समाज को शिक्षित करके। अब आता है लास्ट तो नहीं है अभी कुछ, सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय बॉयज एंड गर्ल्स कैडेट्स सो डेट देयर कंडक्ट इज नेवर क्वेश्चनेबल, उसे ऐसे क्या कार्य करने चाहिए लड़का या लड़की के, गर्ल्स बॉय या गर्ल कैडेट को, जिससे उनके कोई भी कार्य कभी भी सवाल ना उठे। देयर कुछ पॉइंट दिए नीचे दिए हुए हैं, दीज आर एज अंडर, ये है रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियाँ समझो, बिकम रोल मॉडल फॉर द यू, और ठीक है समाज के लिए एक रोल मॉडल बनो, कीप अवे फ्रॉम ड्रग्स एल्कोहल एंड टोबैको, ठीक है दारू से, नशा से और ठीक है पान मसाले से दूर रहो, मस्ट कीप गुड कंपनी, अच्छी संगत में रहो, डेवलप हेल्थ हॉबीज लाइक रीडिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, गार्डनिंग, ठीक है, अच्छी अच्छी आदतें अपने अंदर लाओ, अच्छी अच्छी हॉबीज़ अपने अंदर लाओ, जैसे रीडिंग, किताबें पढ़ना, म्यूजिक, गाने सुनो, पेंटिंग करो, गार्डनिंग करो, पेड़ पौधे लगाओ एटसेट्रा, डू नॉट वेस्ट टाइम, अपने समय का बर्बाद मत करो। ठीक है, व्हाट शुड बी द जनरल बिहेवियर ऑफ एनसीसी कैडेट्स, एनसीसी कैडेट्स का जनरल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी एज अंडर, दिया हुआ नीचे, दे शुड बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, भैया बहुत अच्छी तरह से अनुशासन, पीसफुल, शांति में होने चाहिए, फ्रेंडली, ठीक है, दोस्ती वाले होने चाहिए, कोऑपरेट, एक दूसरे के मददगार होने चाहिए, हैव अ सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटेबनेस एंड रिमेन फ्री ऑफ जेलेसी,
ठीक है, स्वस्थ होना चाहिए उनके स्वस्थ, एक दूसरे को कॉम्पिटिशन रिमेन फ्री फॉर्म जल, ठीक है, जलन नहीं करनी चाहिए, मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है, एक पॉजिटिव एक सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए और हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के और सम्मान करना चाहिए। बॉय शुड नेवर इंडल्ज इन ईव टीजिंग, एक दूसरे को परेशान करने में हमें भाग ही नहीं करना चाहिए। ऑल मस्ट बिहेव एलिगेंटली, और सभी को एलिगेंट एक अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। पार्ट चौथा स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स आ गए, 110 नंबर के आते हैं, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, बी सर्टिफिकेट का एग्जाम है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तैयारी करो। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट आर नेम्स ऑफ आर्मी कमांड्स, अब भाई सारी आर्मी कमांड्स के नाम बताते हैं। पहला है नदर नॉर्दर्न कमांड, ठीक है, नॉर्थ साइड है तो नॉर्दर्न कमांड, भाई वेस्ट साइड है तो वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल बीचों बीच तो सेंट्रल कमांड, साउथ साइड है सदर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न मतलब साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच सदर्न और वेस्टर्न के बीच में साउथ वेस्टर्न कमांड, ठीक है, ईस्ट तरफ है तो ईस्टर्न कमांड, और जहाँ पर ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग कमांड। भाई इसके बाद आता है मैप रीडिंग, भाई भाई पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैप, भाई मैप होता क्या है, मैप इज़ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीस ऑफ ग्राउंड विथ ऑल इट्स नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स शोन बाय सम कन्वेंशनल साइंस। अब भाई बात आती है यहाँ पर, तुम्हारे DI साहब तुम्हें बताते हैं, सबके DI अलग अलग बताते हैं, ठीक है, लेकिन भाई सही वही यही वाली है, मैप इज़ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंट पीस ऑफ ग्राउंड, ठीक है, एक भूभाग का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित कुछ चिन्ह हैं, रूढ़िवादी चिन्ह जो उस पर दिए गए हों, ठीक है, यही मैप होता है। आई व्हाट आर यूज़ ऑफ मैप, भाई मैप का इस्तेमाल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 43 है, ठीक है, टू फाइंड ऑन पोजिशन, अपनी खुद की पोजिशन ज्ञात करने के लिए भाई सबसे पहले मैप का बहुत बड़ा रोल होता है। टू डिटरमाइन डायरेक्शन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है भाई, अब भाई डायरेक्शन दिशा ज्ञात करने के लिए एक ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान की, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे, ठीक है, टू लोकेट वेरियस फीचर ऑफ ग्राउंड ऑन मैप, अब भाई आती है टू भाई अलग अलग जैसे चिन्ह देखने, भाई अपने ज़मीन पर भी देखने, नक्शे पर भी देखने, तो इसमें भी हमारा मदद करता है मैप। टू प्लान मूव ड्यूरिंग वॉर, अरे युद्ध के दौरान हमें पता करना है भाई हम अगली हरकत क्या करने वाले, तो मैप उसमें भी मदद करता है, ठीक है, और ज़्यादा टेंशन लो, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 44 आता है, नेम फाइव पार्ट्स ऑफ कंपास, अब भाई वो पूछेंगे तुमसे पांच पॉइंट कंपास के नाम बता दो, प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो भाई बोल देना थंब रिंग है, लिड है, विंडो है, टंग है, लवर लाइन है, डायरेक्शन मार्क है, प्रिज्म है, और बहुत सारे होते हैं भाई, तुम ध्यान से पढ़ो सब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट आर कार्डिनल पॉइंट्स एंड काइंड ऑफ नॉर्थ, ठीक है, तो भाई नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं और कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, भाई कार्डिनल पॉइंट्स बता देना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन नहीं बता पाएगा, तुम नहीं बता पाओगे। अगला है ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ, ठीक है, कोई भी सवाल हो तुरंत पूछो। अगला क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द फॉलोइंग कन्वेंशनल साइंस, अब भाई अब उनने बोला कि वाटर स्प्रिंग, टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, फोर्ट, भाई मॉस्क फोर्ट सब भाई आराम से बन जाएंगे, तुम्हें सब पता है, ठीक है, ये यहाँ पर हम तुम्हें दे नहीं रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए हो कन्वेंशनल साइंस, कन्वेंशनल साइंस के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, टेंशन नहीं लियो, अपना ही पेपर है, तुम भी अपना पेपर दो बढ़िया तरीके से, बढ़िया मेरी अल्फा ग्रेड आई थी, तुम भी अपने अल्फा ग्रेड लेकर आओ। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंपास, अब भाई कंपास के इस्तेमाल क्या होते, अभी तो बताए थे भाई, टू फाइंड द नॉर्थ, नॉर्थ दिशा ज्ञात करने के लिए, टू सेट द मैप, मैप को सेट करने के लिए, ठीक है, मेजरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक है, मैग्नेटिक बेयरिंग को, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट मार्च, और रात में हम कहीं चहलकदमी कर रहे हैं सैनिक भाई लोग, तो उन्हें अपनी नाइट मार्च पता हो रहता है हम किस दिशा में जा रहे हैं मैप के सहारे। अब भाई आता है अगला, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आराम से पढ़ो। डिफाइन फील्ड क्राफ्ट पहले होता, ठीक है, फील्ड क्राफ्ट क्या होती है, ठीक है, फील्ड क्राफ्ट इज़ एन आर्ट ऑफ यूजिंग द ग्राउंड एंड वेपन, फील्ड क्राफ्ट क्या होती है, आउट ऑफ यूजिंग ग्राउंड एंड द वेपन अवेलेबल टू द बेस्ट ऑफ वंस ओन एडवांटेजेस, अब भाई डिफाइन फील्ड क्राफ्ट, अभी तो डेफिनेशन बताई थी भाई, क्या है फील्ड क्राफ्ट, ठीक है, जमीन का, ठीक है, एक कला होती है, ठीक है, जमीन को इस्तेमाल करने की कला होती है, एंड द वेपन अवेलेबल टू द बेस्ट ऑफ वंस ओन एडवांटेज, अपने ही फायदों का अपने ही तरीके से बेस्ट हम बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करने को ही हम फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। अब भाई क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन फील्ड क्राफ्ट,
आप फील्ड क्राफ्ट में, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड या फिर लागू किए गए हैं। तो पहला तो है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड, ठीक है, जब भूभाग का चित्रण करना या जानकारी करना, ऑब्जर्वेशन एंड कंसीलमेंट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन या फिर तो जानकारी होना, जजिंग डिस्टेंस दूरी के नापने का तो अंदाज़ा होना, रिकॉग्निशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट्स, ठीक है, टारगेट्स मतलब कि अपने लक्ष्य की पहचान होना, जानकारी होना, मूवमेंट्स विद एंड विदाउट आर्म्स, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है फील्ड क्राफ्ट में, ठीक है, हरकत करना, ठीक है, आर्म्स विद हाथों से और बिना हाथों के, ठीक है, हाथों के बिना हाथों के, इसके लिए भी कमेंट तो लिखते नहीं हो, कहाँ वीडियो बनाता हूँ लिए, ठीक है। अगला है भाई, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राउंड्स एंड एंड एक्सप्लेन, ठीक है, देखो जमीन कितने प्रकार की होती हैं उसको पूरे तरीके से समझाओ। पहला तो है क्वेश्चन नंबर 50, आंसर 50, पहला है ब्रोकन ग्राउंड, टूटा फूटा मैदान, इट इज़ अनइवन एंड इज जनरली इंटर, ठीक है, इंटरस्पर्स्ड विद नालाज बम्स एंड फील्ड इन द ग्राउंड, इट इज़ सूटेबल फॉर मूव ऑफ इन्फेंट्री एंड हिंडर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्टिविटीज़। जो टूटा ब्रोकन ग्राउंड था, टूटा फूटा मैदान, इट इज़ अनइवन, वे अनइवन होता है मतलब ऊपर नीचे होता है, एंड जनरली इंटरस्पर्स्ड, ठीक है, इंटर ऊपर नीचे, टूटे नालादार, नाले के तो नाला तो देख रखे हैं, बम्स देखते हैं, ठीक है, और जो मैदान देखते हैं ऊबड़ खाबड़ रहते हैं, ठीक है, इट इज़ सूटेबल फॉर मूव, ठीक है, मूव इन्फेंट्री, मूव इन्फेंट्री के चलने के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, मतलब सेना के लिए, एंड हिंडर छुपने के लिए। अगला आता है फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड, ठीक है, फ्लैट सीधे मैदान, इट इज़ इवन ग्राउंड, ठीक है, ये सीधा मैदान होता है एंड विद लिटिल कवर, इसमें बहुत कम होता है मौका तुम्हें छुपने का, जिसमें एग्जाम्पल जैसे बुशेज, झाड़ी, एजेस, ठीक है, एंड सिमिलर फॉलीएज, थोड़े बहुत छुपा 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 छुपाई की चीज़ें होती हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मूव ऑफ इन्फेंट्री बाय डे, और दिन के दौरान तो इन्फेंट्री इधर पे कभी मूव कर ही नहीं सकती, इन्फेंट्री पैदल सेना होती है हमारी। इसके बाद हाई ग्राउंड, ऊंचे मैदान, ग्राउंड फार अबव द जनरल लेवल ऑफ द एरिया, सामान सामान लेवल से थोड़े क्या है ऊँचे होते हैं, मतलब इट्स फैसिलिटेट्स डोमिनेशन ऑफ एरिया अराउंड इट, ऑब्जर्वेशन और फायर और बोथ, ठीक है, ये फैसिलिटी ये तुम्हें एक तरह से कहते हैं फ़ायदा ही पहुंचा रहे हैं, डोमिनेशन ऑफ एरिया, जिसके बाद वो एरिया ऊंचा वाला है, ठीक है, अगर उसका दुश्मन नीचे है तो वो ऊपर से तो कोई भी यार आराम से दिखता है, तो वहाँ लक्ष्य नीचे क्या हरकत कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, ठीक है, तो क्या है नीचे वाले को छुपने का मौका तो देखो आड़ में लगी तो ठीक है, वरना भूल जाओ। इसके बाद है डेड डेड ग्राउंड, ग्राउंड डेट इज़ हिडन फ्रॉम एन ऑब्जर्वर्स व्यू, ठीक है, देखने वाले, ठीक है, देखने वाले के, ठीक है, ऑब्जर्वर थे जो देख रहा हुआ मैं उसके उसके लिए था ये ग्राउंड क्या छुपा हुआ रहता है, इट कैन नॉट बी कवर्ड बाई फ्लैट, ये कभी फ्लैट तरीके से छुपाया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट, ठीक है, अब इन्फेंट्री का भी हम तो बोल रहे थे, पैदल सेना कुछ ऐसा कुछ, अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है, पॉइंट पे आते हैं, लंबा वीडियो हो गया, देख लो, इफेक्टिव रेंज 7.62 MMSLR की, इफेक्टिव रेंज क्या होती है भाई, तो इसकी इफेक्टिव रेंज 275 मीटर, कितनी 275 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, रैपिड, देखिए, ठीक है, रैपिड रेंज ऑफ फायर ऑफ LMG इज 3 मैगजीन पर मिनट, LMG में जो मैगजीन डलती है उसके अगर रैपिड रेंज कर दिए तो 3 मैगजीन डल जाएंगी 1 मिनट के दौरान। एक्सपेंड, ठीक है, SMC, ठीक है, अब भाई SMC का फुल फॉर्म भाई हर किसी को पता होता है, बच्चे बच्चे को लिख देना, स्टैंड मशीन गन, ठीक है, तो सॉरी स्टैंड मशीन कार्बाइन, वो ध्यान दूसरे पे चला गया था, LMG, LMG का क्या होता है लाइट मशीन गन, कैन बी स्ट्रिप्ड इनटू डैश मेन ग्रुप्स, भाई तो अबे LMG स्ट्रिप्ड मतलब तो मैं समझ गया, तो मैंने समझ में आ रहा, हम बता दे रहे हैं LMG का LMG इससे मतलब था खोलना, ठीक है, LMG 5 भागों में खुलती है, 5 भाग कहते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन 7.62 MMSLR, 7.62, सेल्फ लोडिंग राइफल में कितने ग्रुप्स होते हैं भाई, किस कोई पूछे तुरंत बोल देना 6 होते हैं, दिमाग की पच्ची मत करना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52 है, जे हाँ, राइफल 7.62 MM सेल्फ लोडिंग राइफल का कुतर कैलिबर कितना होता है, अबे यार जब वो खुद बता रहा है 7.62, 62 वही तो कुतर, उसका वही तो कैलिबर है गधे, नहीं तो। अगला है
भरे हुए मैगजीन के साथ, राइफल 7.62 mm SLR का वजन, सेल्फ लोडिंग राइफल का वजन बता देना 5.1 kg। अगला है सी, सी वाला है तीसरा, राइफल 7.62 mm SLR का कारगर रेंज कितना है? अभी अली बताया था, अभी तो खोपड़ा फोड़ दूंगा, 275 मीटर है, कितना है 275 मीटर। ठीक है, अगला है राइफल 7.62 mm SLR में कितने राउंड भरे जाते हैं? भाई बंदे सुन, अभी रैपिड फायर बताया था, ठीक है, किसका था वो रैपिड फायर वाला? ठीक है, रैपिड LMG का था, ये किसका पूछ रहे बोलो? SLR का पूछ रहे, तो 20 राउंड भरे जाते हैं। क्या 20 राउंड? ठीक है, भरे तो 20 जाते हैं लिखने में, लेकिन हम डालते कितने? 18 डालते हैं। ठीक है, 20 राउंड भरे जाते हैं, ध्यान रखना। राइफल 7.62 mm SLR का पूरा नाम लिखो। अबे गधेड़े, इतनी बार बोल बोल के मेरा मुंह दर्द देने लगा है। 7.62 mm का, ठीक है, सेल्फ लोडिंग राइफल, क्या नाम? सेल्फ लोडिंग राइफल। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53, राइफल 7.62 mm SLR का सफाई का सामान लिखो। अबे लिख देना, लिख देना, क्या लिख देना? पुल थ्रू, ठीक है, एक लंबा टाइप की रॉड्स की होती है, पतली सी लोहे की, ऑयल बोतल, तेल की बोतल, कॉम्बिनेशन टूल, गैस रेगुलेटर, की स्क्रू ड्राइवर, सिलेंडर, चैम्बर क्लियरिंग ब्रश, राइफल क्लीनिंग ब्रश, ग्रेफाइट ग्रीस ट्यूब, चिंदी। ठीक है, इतना ही बहुत है, ज़्यादा मत लिखियो। अब आती है अंत में मिलिट्रिस्टिक क्वेश्चन नंबर 54 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन आवर 51। अपने ही 50 शब्दों में हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत लिख दो। अब भाई आता है, देख भाई अपने तरीके से पढ़ा तो मुझे मजा आया, मैं शुरू से वो उल्टी सीधी भाषा बोल रहा था, मुझे खुश होने क्या बोलता रहा मैं, अब मज़ा तो अब आ रहा है। 54, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत बताना है, और राजपूत और मुगल के बीच हुआ था। ठीक है, राजपूतों में महाराणा प्रताप जी आ गए और मुगल में आ गए थे अपने अकबर। ठीक है, अकबर की सेना, 1576 की बात है, इट वॉज 15 बिटवीन, ठीक है, 20,000 राजपूत थे और 80,000 मुगल सैनिक थे, तो लगा लो कितना बड़ा फर्क है, 20,000 कहाँ 80,000, मतलब 3 गुना, 2 6 60,000, वो ज़्यादा थे। द बैटल ऑफ फियर्स बट इंडिसिसिव, ठीक है, बड़ी भयंकर युद्ध हुआ था। ठीक है, हम विनाशकारी युद्ध कहेंगे हम उसे। महाराणा प्रताप वॉज सेव्ड बाय हिज एस्ट्रेंज्ड ब्रदर, हाउएवर फेमस लॉयल हॉर्स चेतक डाइड वाइल सेविंग महाराणा। अब जो महाराणा प्रताप की जान जो बची थी, वो उनका जो घोड़ा था, वो अपने घोड़ा को भाई मानते थे, स्ट्रेंज ब्रदर, हाँ, और जो कि एक फेमस लोयाल घोड़ा था, उनका नाम था चेतक। ठीक है, कहावत सभी ने सुनी होगी, चेतक की पुतली फिरी नहीं किते, ठीक है, राणा की पुतली फिरी नहीं कि चेतक मुड़ जाता था, मतलब इतना तेज था हवा से भी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 55, वो है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड अकबर रूल मुगल एम्पायर, मतलब कि किस पीरियड या किस समय अकबर ने मुगल एम्पायर पर रूल किया? तो 15 अक्टूबर 1542 से लेकर 15 अक्टूबर 1542 से लेकर 27 अक्टूबर 1605 तक अकबर ने, ठीक है, मुगल वंश पे राज किया। अगला आता है, हु वॉज द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। अब भाई 1971 के, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चला था, जिसमें एक नए देश का जन्म हुआ था, बांग्लादेश का। उस समय देश का इंडियन आर्मी का चीफ कौन था? तो जनरल SFM मानेक शॉ, ठीक है, लेटर FM मतलब होता है फील्ड मार्शल, सैम मानेक शॉ बोलते हैं। मानेक शाह जी थे जो उस दिन जनरल थे हमारे 1971 के टाइम, उसके बाद में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी गई। विच वॉज द फोर्थ वॉर फॉर बिटवीन इंडियन पाकिस्तान, चौथा युद्ध कौन सा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था? तो वो है कारगिल वॉर, जिसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। पेपर में कहीं गलती भी लिख दी है उन लोगों ने। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, वॉट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के, आपस में बातचीत करने के कितने विधियाँ हैं, क्या कितने प्रकार हैं? तो होते साइन लैंग्वेजेस, ठीक है, साइन लैंग्वेजेस मतलब कि साइन की भाषा, चिन्हों की भाषा द्वारा। अगले वॉइस मीडियम, ठीक है, वॉइस आवाज़ के जरिए, रिटन स्क्रिप्ट लिखित स्क्रिप्ट के द्वारा, रनर्स एंड मैसेज बेयरर्स, ठीक है, दौड़ के मैसेज देने वालों के द्वारा, ठीक है, लाइन एंड केबल, ठीक है, और किसी से टेलीफोन बात करो तो लाइन एंड केबल का इस्तेमाल होता है, वायरलेस वॉकी टॉकी टाइप की चीज़ों से हो रहा है, तो और इस तरह वॉकी टॉकी द्वारा, इस तरह से हमारा
पेपर खत्म हुआ, बढ़िया तरीके से पेपर देना, एंजॉय करना भाई। लंबी वीडियो है भाई, जो अच्छा लंबा वीडियो बनाता है वो सबसे अच्छा बनाता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।